हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप झारखंड के निवासी हैं दोस्तों, झारखंड में आपने एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए आपने अप्लाई कर दिया है या सबका राशन कार्ड बना हुआ है, अपने राशन कार्ड में किसी प्रकार से कुरेक्शन कराएं या तो फिर अपडेट कराएं, चाहे आपने नाम हटाया हो, नाम अपडेट किया हो या तो फिर मोबाइल नंबर लिंक किया हो, या तो फिर दोस्तों आपका अपना आधार कार्ड होता है उसका आपने अपने राशन कार्ड के साथ लिंक किया हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपने कुरेक्शन किया है या दोस्तों एक नया राशन कार्ड आपने अप्लाई किया है, चाहे आपने ऑनलाइन तरीका से किया हो या तो फिर ऑफलाइन तरीका से किया हो, ठीक है दोस्तों। इस स्थिति में आपके पास एक स्लिप जनरेट होता है, उस स्लिप में दोस्तों आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसी नंबर से माध्यम से दोस्तों आप टाइम टू टाइम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका नया राशन कार्ड बना है या नहीं, तो फिर अगर आपने अपडेट किया है तो अपडेट हुआ है या नहीं। अगर सो आपने किसी कारणवश अपना स्लिप को खो दिया, आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को खो दिए हैं, उसे फिर से दोस्तों किस प्रकार से प्राप्त करेंगे मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जब दोस्तों आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को प्राप्त कर लेंगे, जान लेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको काफी काम देने वाला है और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लेना है, और इसी प्रकार दोस्तों अगला भी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं चैनल पर इसी प्रकार हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। बेल घंटे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर ओपन कर लेना। ब्राउजर में आपको टाइप करें aharjharkhand.gov.in, जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल का आ चुका है। अब यहाँ से वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सो आपको एक लॉजमेंट नंबर फिर से दोबारा प्राप्त करना है, आपने खो दिया, कहीं भुला दिया, फिर से आपको जरूरी पड़ गया है, तो इसके लिए सबसे लास्ट में आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ लास्ट में आपके पास एक बना हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा ऑनलाइन सेवा, ठीक है। देख सकते हैं आपके पास यहाँ मेनू बना हुआ है ऑनलाइन सेवा में आ जाने के बाद, यहाँ पे काफी सारा मेनू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके आ जाना है आवेदन स्थिति में। देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास नजर आता होगा आवेदन स्थिति के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे सो एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या फिल करना होगा ताकि आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दोबारा फिर से प्राप्त कर सके, ठीक है। अगर सो आपका नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं होगा, इस स्थिति में दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर से ही केवल चेक कर पाएंगे, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पता करना होगा। अगर आपने अपडेट कराया है तो आपके पास पहले से राशन कार्ड नंबर होगा, तो आपका पावती भुला गया हो या तो फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर भुला गया हो, तब यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहले से राशन कार्ड नंबर बना हुआ था, आपका राशन कार्ड बना, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर टाइप कीजिएगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट पाइएगा, जो आपने यहाँ पे अपडेट कराया तो यहाँ पे अपडेट आपको चुन लेना है, उसके बाद कैप्चा फिल कीजिएगा, उसके बाद चेक स्टेटस क्लिक कीजिएगा तो आपका चेक हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर खो दिया तब भी। लेकिन दोस्तों आप एक नया राशन कार्ड बनाया तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड नंबर नहीं होगा अभी, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, वो आपने खो दिया तो आप यहाँ पे स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से प्रोसेस जो आपको बताने वाला हूँ कि आप फिर से अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल करना होगा, मेनली आपको दो तीन ऑप्शन फिल कर ही दोस्तों आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं इंटर रिक्वायर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, आपने जो अपना राशन कार्ड बनाते समय दिया है या तो फिर अपडेट कराते समय आपने दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पास नजर आता होगा इंटर रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपने दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पर आ जाना है, सिलेक्ट पर आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफी मेनू यहाँ पे है, ठीक है। तो आप जिस कारणवश आप अपना राशन कार्ड अपडेट कराए हैं या तो फिर नया राशन कार्ड बनाया है, वो यहाँ पे मेनू आपको चुनना होगा। जैसे डीलर बदलने के लिए अपडेट कराया है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर निकालना चाहते हैं तो डीलर बदलने पर जाइएगा। अगर दोस्तों आप नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया तो देख सकते हैं नया राशन कार्ड के लिए आवेदन आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है कैप्चा, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा जैसे फिल करेंगे उसके बाद आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना, ठीक है। चलिए मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो मोबाइल नंबर मैंने राशन कार्ड के साथ अपडेट कराने के लिए दिया था या तो फिर अपडेट होगा आपका, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी पे आ जाना, एक्टिविटी पे मैंने यहाँ पे नया राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी में नया राशन कार्ड के लिए आवेदन को चुना, ठीक है। अब जिस भी स्थिति में दोस्तों अपना राशन कार्ड अपडेट कराए होंगे तो यहाँ पे आपको चुन लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, परिवार के सदस्य को हटाना या जोड़ना, जो भी आपने यहाँ पे कुरेक्शन किया होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने एक नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया तब भी यहाँ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप नंबर निकाल सकते हैं, अगर आपका पुराना है, आपने अपडेट किया, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को खो दिया, फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा चेक स्टेटस, आपको चेक स्टेटस पर ही सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे चेक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर यहाँ पे आ जाता है। देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे आपको नजर आता होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 3600 देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर अभी नहीं आया है क्योंकि नया राशन कार्ड बना नहीं है, यहाँ पे नहीं आया। अगर आपका राशन कार्ड पहले से बना होगा तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम शो हो जाएगा जो हेड होगा, उसके
फादर्स नेम, उसके बाद एप्लीकेशन डेट और स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग नजर आता होगा। ठीक है, आपको एक्लूजमेंट नंबर मिल गया, आपको आसानी से आप चेक कर पाएंगे। सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पे एक्लूजमेंट नंबर जो यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आता होगा, इस नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना, टाइप कर देंगे उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बाद नए राशन कार्ड के लिए आवेदन को चुन लेना या तो जो भी आपने करवाया होगा कैप्चर फिल करना, उसके बाद चेक स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा बायोडाटा ही निकल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सिर्फ बताया था एक्लूजमेंट नंबर प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे कुछ डिटेल आपको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सिंपल से यहाँ से आप एक्लूजमेंट नंबर ही से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया। अभी तक दोस्तों आप काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे कि मेरा एक्लूजमेंट नंबर हो चुका है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूंगा, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। जानकारी आपको अच्छा लगा हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना है। आपके लाइक से दोस्तों हमें काफी ज्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल घंटी भी आपको प्रेस कर देना है। और किसी भी प्रकार डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी समस्या होगा वो भी हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। फिर से मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।